बुहाड़ा ग्रामीण इलाके के गांव में पाले से फसलों में हो रहे नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर पूर्व सांसद संतोष अलावत के नेतृत्व में किसानों के हित में शुक्रवार को उपखंड कार्यालय पर सुबह 11 बजे एसडीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ठंड, कोहरे और पाले के सितम के बीच गेहूं, सरसों, चना की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में किसानों के सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। सूरजगढ़ सहित आसपास के इलाके में सर्दी का सितम लगातार जारी है। खेतों और पेड़ों की टहनियों से लेकर पत्तों, खेत की तारबंदी, खेत में रखे बर्तनों, सरसों की फसलों पर भी बर्फ जमी दिखाई दे रही है। खराब मौसम के कारण जो ठंडी हवाएं चली हैं और पाला जमा है, उसके कारण भारी क्षति रबी की फसल में हुई है और लगभग सरसों के फसलें कहीं 100%, कभी 70%, कहीं 80%, 90% के लगभग खराब हो गए। ऐसे में महंगी खाद, बीज और मेहनत के बाद किसान अपने आप को लूटा हुआ, ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। हम कल एसडीएम को खंड स्तर पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। अविलंब किसान के खेत की गिरदावरी कर मुआवजे का वितरण किया जाए, ये मांग रखेंगे। शांतिपूर्वक कल मांग रखेंगे और नहीं सुनवाई हुई तो फिर अगर सड़क पर आना पड़ा तो भी किसान की लड़ाई लड़ने के लिए उससे कंधे से कंधा मिलाकर हम सड़कों पर भी उतरेंगे। बुहाड़ा